हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। एट टाइम्स वी यूज इमेजिनेशन टू क्रिएट स्टोरीज बट सम स्टोरीज कैन इवन बिफोर आर आईज द ओपन विंडो इज वन सच स्टोरी ये कहानी हमारी आंखों के ठीक सामने होती है और इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेट्स गो थ्रू इट वेरी क्विकली एंड चिल्ड्रन प्लीज डू पे अटेंशन टू वोकैबुलरी एज दिस चैप्टर हैज मेनी वर्ड्स विच माइट बी न्यू फॉर यू

यानी जब तक आंटी नीचे नहीं आती तब तक आपको मुझसे ही बात करनी होगी ने कुछ ऐसा कहने का प्रयास किया जिससे कि उस क्षण जो भतीजी उनके सामने बैठी हुई थी उसकी तारीफ हो उसे कॉम्प्लीमेंट दे सके और ऐसा करने में आंटी जो अभी आने वाली थी वो इग्नोर ना हो

और जिस इलाज के लिए वो इस शांत जगह में आए थे क्या इन सक्सेशन ऑफ फॉर्मल विजिट्स से उसके इलाज में मदद मिलेगी आई नो हाउ इट विल बी हिज सिस्टर ही प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट जब वो इस रूरल रिट्रीट गांव की एकांत स्थान पर या शांत जगह पर माइग्रेट करने की प्रिपरेशन कर रहे थे तब उनकी बहन ने कहा था आई नो हाउ इट विल बी मुझे पता है वहां जाकर के क्या होगा यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर तुम वहां जाओगे और खुद को एकदम लोगों से छुपा लोगे अलग थलग कर लोगे एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल और किसी भी जिंदा व्यक्ति से यानी किसी से भी बात नहीं करोगे एंड योर नर्वस विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मॉपिंग और तुम्हारी नर्व्स यानी तुम्हारी एंगजाइटी तुम्हारी मानसिक परेशानी तो मॉपिंग की वजह से उदास रहने की वजह से पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. मैं वहां पर जिन भी लोगों को जानती हूँ उनके लिए मैं तुम्हें letters of introduction दूंगी ताकि तुम लोगों से मेल जोल कर सको Some of them, as far as I can remember, were quite nice. जहां तक मुझे याद पड़ता है उन लोगों में से कई लोग तो बहुत अच्छे थे बहुत nice थे Frampton wondered whether Mrs. Sepperton, the lady to whom he was presenting,

सफिशियंट साइलेंट कम्युनियन और ये उसने तब पूछा जब उसे लगा कि उन दोनों ने काफी देर तक चुपचाप रहकर सफिशियंट कम्युनियन कर लिया था यानी एक दूसरे के पहनावे को चेहरे को और भाव भंगिमा को देख करके बहुत सी बातें समझ ली थी चुपचाप बहुत सी बातें एक दूसरे को कन्वे कर दी थी और उसके ऐसा पूछने के पीछे एक खास मकसद था वो क्या था ये हम बाद में जानेंगे हार्डलीन ने कहा मैं तो मुश्किल से ही यहाँ पर किसी को जानता हूँ माई सिस्टर वॉज स्टेर सम फोर ईयर चार साल पहले मेरी बहन यहाँ पर रुकी थी एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम पीपुलियर और उन्होंने मुझे यहाँ के कुछ लोगों के लिए लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए थे ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट रिग्रेट का मतलब है पश्चाताप ये आखिरी बात उन्होंने बहुत पश्चाताप या रिग्रेट की टोन में कही देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट परस्यूव द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी फिर उस सेल्फ पोजेस्ड यानी आत्मविश्वासी यंग लेडी ने पूछा तो इसका मतलब है कि आप मेरी आंटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर ने स्वीकारा हाँ मैं तो सिर्फ उनका नाम और पता ही जानता हूँ वो सोच रहा था कि क्या मिसेसन मैरिड हैं या फिर विडो हैं एन अनडिफाइनेबल अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्क हैबिटेशन उस कमरे में कुछ अनडिफाइनेबल समथिंग यानी कुछ ऐसा था जिसको डिफाइन तो नहीं कर सकते थे लेकिन उससे ऐसा लग रहा था कि इसमें पुरुष भी रहते हैं हर ग्रेट ट्रेजेडी जस्ट थ्री ईयर्स एगो सेट चाइल्ड उस बच्ची ने कहा उनके साथ सिर्फ तीन साल पहले एक ग्रेट ट्रेजेडी यानी बड़ी दुखद घटना हुई दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम और ये घटना आपकी बहन के यहां से जाने के बाद हुई हर ट्रेजेडी आज फ्रैमटन फ्रैमटन ने पूछा उनकी ट्रेजेडी उनके साथ कोई दुखद घटना सम हाउ कंट्री स्पॉट ट्रेजेडी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस इतनी शांत कंट्री स्पॉट या गांव की जगह में किसी दुर्घटना का होना बिल्कुल संभव नहीं लग रहा था ट्रेजेडी इस जगह के लिए बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रही थी यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून आप सोच रहे होंगे कि हम अक्टूबर की दोपहर में इस खिड़की को क्यों खोलकर रखते हैं? भतीजी ने कहा इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन टू और उसने एक बड़ी फ्रेंच विंडो जो लॉन में खुलती थी उसकी तरफ इशारा किया इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर सेन ने कहा हां साल के मौसम के हिसाब से तो इस समय काफी गर्म है खिड़की को खुला रखा जा सकता है बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद ट्रेजेडी पर क्या इस खिड़की का उस दुर्घटना से कोई संबंध है आउट थ्रू दैट विंडो थ्री इस एगो टू अ डे हर एंड हर टू यंग ब्रदर्स वेंट ऑफ फॉर देयर डे शूटिंग बिल्कुल ठीक तीन साल पहले आंटी के हस्बैंड और उनके दो छोटे भाई इसी खिड़की के रास्ते शूटिंग यानी शिकार करने गए थे दे नेवर केम बैक वो कभी वापस नहीं लौटे इन क्रॉसिंग द मूअर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड देवर ऑल थ्री इन अ इनस पीस ऑफ बॉग घास के मैदानों या मूअर को क्रॉस करके पार करके अपने फेवरेट शूटिंग ग्राउंड पर जाते समय देवर ऑल थ्री इनगल्फ इन अ ट्रैचरस पीस ऑफ बॉग वो तीनों के तीनों धंस गए थे इनगल्फ हो गए थे एक बहुत ही खतरनाक बॉग में बॉग का मतलब है दलदल में तीनों एक बड़े ही खतरनाक दलदल में डूब गए थे इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर यू नो आप जानते हैं उस साल बहुत ही वेट समर था यानी कि गर्मी के मौसम में बहुत भीषण बारिश हुई थी एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर इयर्स और जो जगहें दूसरे सालों में सेफ थीं गिव वे सडनली विदाउट वार्निंग वो जगहें भी बगैर किसी चेतावनी के धंसने लगीं देअर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड उनके शरीर कभी वापिस नहीं मिल पाए दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट और ये इस दुर्घटना की सबसे दुखदायी बात थी आर द चाइल्ड वॉयस लॉस्ट इट्स सेल्फ पोजेस्ड नोट एंड बिकेम फॉल्टरिंगली ह्यूमन यहाँ पर बच्ची की आवाज ने अपना सेल्फ पोजेस्ड नोट खो दिया यानी उसने जिस आत्मविश्वास के साथ वो बोल रही थी वो आत्मविश्वास उसका डगमगा गया और वो फॉल्टरिंगली यानी हिचकिचाते हुए कहने लगी पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे बेचारी आंटी हमेशा सोचती हैं कि किसी दिन वो वापस आ जाएंगे दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल दैट वॉज लॉस्ट विद डेम वो और वो छोटा ब्राउन स्पेनियल यानी छोटा झबरा कुत्ता जो उन्हीं के साथ खो गया था एंड वॉक इन एट विंडो जस्ट एज दे से वैसे ही चल करके वापस आएंगे जैसे कि वो आया करते थे दैट इज वाई द विंडो इज kept ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डस्क इसीलिए ये खिड़की हर शाम जब तक बिल्कुल डस्क नहीं हो जाती काफी धुंधलका नहीं हो जाता खुली रखी जाती है पुअर डियर आंट बेचारी प्यारी आंटी, she has often told me how they went out. उन्होंने मुझे कई बार बताया है कि वो कैसे गए थे उनके हस्बैंड की बाह पर उनका सफेद वाटरप्रूफ प्रूफ कोट था एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बर्टी वाइड बाउंड और उनका छोटा भाई रॉनी बर्टी व्हाई डू यू बाउंड गा रहा था एज ही ऑलवेज डिड जैसा कि वो हमेशा गाया करता था टू टीज हर उनको चिढ़ाने के लिए बिकॉज़ शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स क्योंकि वो कहती थी कि इसको सुनकर उन्हें मानसिक परेशानी होती है इट गॉट ऑन हर नर्व्स डू यू नो सम ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस क्या आप जानते हैं कई बार ऐसी ही शांत शामों को

बहुत फुर्ती से हड़बड़ाते हुए कमरे में आई विदर्ल ऑफ अपोलॉजीज और उन्होंने बहुत सारी माफी मांगी एक के बाद एक अपनी अपोलॉजी कही फॉर बींग लेट इन मेकिंग हर अपियरेंस और माफी उन्होंने मांगी देर से आने के लिए आई होप वैरा हैज बीन अम्यूजिंग यू शी सेड उन्होंने कहा वेरा ने आपका मनोरंजन किया होगा ऐसी मुझे आशा है उनके ऐसा पूछने का मतलब था कि वेरा इतनी देर तक आपसे बात करती रही होगी और उसने आपको बोर नहीं होने दिया होगा शी बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड ने कहा हाँ, उसकी बातें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रही हैं। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सेड मिसेस सेन ब्रिस्कली ब्रिस्कली यानी तेजी से फुर्ती से मिसेस मिसपल्टन ने कहा मुझे आशा है आपको ओपन विंडो से परेशानी नहीं होगी आप उसे माइंड नहीं करेंगे माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग मेरे हसबैंड और भाई लोग शूटिंग के बाद डायरेक्टली घर पर आएंगे एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे और वो हमेशा इसी रास्ते से आते हैं दे है स्नाइप इन द मार्श टूडे आज वो स्नाइप यानी एक तरह की वॉटर बर्ड का शिकार करने मार्शेस अर्थात स्वैंप्स में वेटलैंड में या दलदल की तरफ गए हैं सो दे विल मेक अ फाइन मैस ओवर माई पुअर कार्पेट्स इसलिए उनके चप्पल जूतों से तो मेरी कार्पेट बर्बादी हो जाएगी सो लाइक यू एजेंटेड आप मेन फोक तो ऐसा ही करते हैं ना आप लोगों को ध्यान ही नहीं रहता कि चप्पल जूते बाहर उतारने चाहिए, उससे कारपेट पर गंदगी फैल सकती है शूटिंग एंड द स्कर्सिटी ऑफ बर्ड एंड द प्रोस्पेक्ट फॉर डार्क इन विंटर वो शूटिंग यानी शिकार और चिड़ियों की कितनी शॉर्टेज है विंटर में डक के शिकार की संभावनाएं कैसी होंगी इस बारे में लगातार खुशी खुशी बताती रही टू फ्रैमटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरबल फ्रैमटन के लिए तो ये पूरी बातचीत बहुत ही हॉरेबल थी वो पहले ही मानसिक रूप से परेशान था और अब चिड़ियों को मारने के बारे में सुनकर तो वो और भी ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहा था ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न ऑन द टॉक टू अ लेस गास्टली टॉपिक उसने बहुत ही हिम्मती लेकिन कुछ ही हद तक सफल प्रयास किया कि बातचीत का रुख किसी कम डरावने टॉपिक की तरफ मोड़ दिया जाए गी वॉज कॉन्शियस दैट हज हॉस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ हर अटेंशन उसे अंदाजा था कि उसकी हॉस्टेस उसकी तरफ बहुत ही कम ध्यान दे रही थी एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो एंड द लॉन बियॉन्ड और उनकी आंखें तो फ्रैमटन से हट करके बार बार खिड़की और खिड़की के सामने जो लान था उधर देख रही थी इट वॉज सर्टेनली एन एनअनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस दैट ही शुड हैव पेड विजिट ऑन द स्ट्रेजिक एनिवर्सरी यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कोइंसिडेंस यानी संयोग ही था कि उसने अपनी विजिट आज उस दुखद घटना की एनिवर्सरी के दिन की थी द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट टल एक्साइटमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ एनी थिंग इन द नेचर ऑफ वॉयेंट फिजिकल एक्सरसाइज डॉक्टर्स मुझे कंप्लीट रेस्ट मेंटल एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की तेज फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी है इसका ऑर्डर देने पर एकदम सहमत है अनाउंसड फ्रैमटन फ्रैमटन ने अनाउंस किया बताया वो लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन वो एक वाइड स्प्रेड यानी काफी फैले हुए इस डिल्यूजन इस भुलावे में काम कर रहा था दैट टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस एक्वेंटेंसेज कि एकदम अजनबी लोग और चांस एक्वेंटेंसेज यानी जिनसे कभी कभी परिचय हो जाए कभी अचानक ही मुलाकात हो जाए ऐसे लोग भी आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वंस एलिमेंट्स एंड इन्फॉर्मिटीज देयर कॉज एंड क्योर ऐसे लोग भी जो बिल्कुल आपसे कभी कभी मिलते हैं और एकदम स्ट्रेंजर्स भी आपकी बीमारी और कमजोरी के के लिस्ट, यानी सबसे छोटे छोटे से डिटेल को उनके कारण और इलाज बारे में जानने के लिए हंग्री यानी बहुत उत्सुक रहते हैं जानना चाहते हैं ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट ही कंटिन्यूड फ्रैमटन ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा जहां तक टाइट का सवाल है उसके बारे में डॉक्टरों में आपस में एग्रीमेंट नहीं है सहमति नहीं है नो सेटन इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अ योन एट द लास्ट मोमेंट मिसेस सप्पल्टन ने एक ऐसी आवाज में जो आखिरी क्षण में यौन, यानी उबासी में बदल गई कहा नहीं है देन शी सडनली ब्राइटन इन टू अलर्ट अटेंशन लेकिन फिर वो अचानक पूरी तरह खुश होकर के सतर्क होकर के ध्यान देने लगी एकदम बिल्कुल अलर्ट हो गई बट नॉट टू वट फ्रैमटन वॉज से वो ध्यान जो फ्रैमटन कह रहा था उस पर नहीं दे रही थी। हियर दे आर एट लास्ट आखिरकार ये लोग आ ही गए शी क्राइड वो चिल्लाई जस्ट इन टाइम फॉर टी और बिल्कुल ठीक चाय के समय पर आए हैं एंड डोंट दे लुक एज इफ दे आर मडी अप टू द आईज और इन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग अपनी आंखों तक मिट्टी में सने हुए हैं 프램턴 쉬버드 슬라이틀리 앤 턴드 투워즈 더 니즈 프램턴 थोड़ा कांपा और फिर भतीजी की तरफ मुड़ा विद अ लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन और उसने भतीजी को ऐसी नजर से देखा जिससे वो अपनी संवेदना और सहानुभूति उसे जता सके लेकिन फ्रैमटन सिंपैथेटिक कॉम्प्रीहेंशन को कन्वे क्यों करना चाहता था इसलिए क्योंकि फ्रैमटन को तो भतीजी ने बताया था कि उनके परिवार वाले बॉग में खो गए थे इसीलिए जब उसने आंटी जी को यह कहते हुए सुना कि उनके परिवार वाले लौट आए हैं तो उसे लगा कि इनका तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इसीलिए वो अपनी संवेदना जताना चाहता था द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विदेस्ड हॉरर इन हर आइज लेकिन बच्ची तो खिड़की के बाहर देख रही थी और उसकी आंखों में डेज हॉरर यानी दिल दहला देने वाला डर दिखाई दे रहा था इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रामटन स्वंग राउंड इन एस सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन एक गुमनाम डर से चौंक करके फ्रैमटन अपनी कुर्सी पर घूमा और उसने भी उसी तरफ देखा अभी तो उसे यही लग रहा था कि इनका दिमाग खिसक गया है पर अब जब उसने खिड़की की तरफ भतीजी को झांकते हुए देखा तो वो डर गया इन द डीपनिंग टॉयलाइट टॉयलाइट या धुंधल का शाम के गहराती धुंधल लॉन टूवर्ड्स द विंडो तीन व्यक्ति चल करके लॉन को पार करके खिड़की की तरफ आ रहे थे दे ऑल कैरीड आर्म्स उन तीनों के पास उनकी बाहों के नीचे गन्स थी एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डन विद हंग ओवर से एक के पास एक सफेद रंग के कोट का बोझ भी था जो उसके कंधों के ऊपर टंगा हुआ था अटायनियल केप्ट क्लोज एट देर हील्स एक थका हुआ भूरे रंग का झबरा कुत्ता ठीक उनके पीछे पीछे आ रहा था कैप्ट क्लोज एट देर हील्स का मतलब है उनके पैरों के ठीक पास पास ही वो चल रहा था हाउस बगैर कोई आवाज किए हुए वो घर के पास आए एंड एक भारी सी युवा आवाज़ ने शाम के अंधेरे में गाया आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड क्या गाया आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड बाउंड का मतलब होता है उछलना कूदना बर्टी तुम क्यों उछलते कूदते हो Frampton grabbed wildly वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैट फ्रैम्पटन ने हड़बड़ाहट में झपट करके अपनी छड़ी और हैट उठाया द hall द ग्रेवल ड्राइव एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड noted इन हिज his headlong रिट्रीट Headlong means मीन्स यानी बहुत तेजी से रिट्रीट करना यानी पलायन करना या भागना फिर डोर, ग्रेवल ड्राइव यानी घर के अंदर का पथरीला रास्ता और फ्रंट गेट डिम्बली नोटेड स्टेजेस यानी तेजी से भागते हुए ये सब तो उसके दिमाग में बहुत डिम्बली नोट हुए उसे बहुत हल्का सा ही एहसास हुआ या पता लगा कि उसने इनको पार कर लिया था क्योंकि वो तो हेडलोंग रिट्रीट कर रहा था बगैर कुछ देखे सुने तेजी से भाग रहा था अ साइक्लिस्ट कमिंग अलॉन्ग द रोड हैड टू रन इन टू द हेज टू अवॉइड इमिनेंट कोल्यूजन कोल्यूजन मीन्स क्रैश या एक्सीडेंट रोड पर आते हुए एक साइकिल सवार को तो अपनी साइकिल को झाड़ी की तरफ मोड़ना पड़ा ताकि वो उस कोलिजन से या उससे टकराने से बच सके। Here we are, वी आर my dear, हम आ गए सेट द बैरर ऑफ द व्हाइट मैकेट कमिंग इन थ्रू द विंडो जिस व्यक्ति के पास सफेद मैकिनटॉश यानी वॉटर प्रूफ रेनकोट था उसने खिड़की से भीतर आकर के कहा वो वॉज दैट वो बोल्टेड आउट एज वी केम अप जब हम आ रहे थे तब एक आदमी बोल्टेड आउट यानी बाहर भागा था वो कौन था अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन अ मिस्टर नटल सिड मिसेस सेपल्टन मिसेस सेपल्टन ने कहा वो एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी यानी अद्भुत व्यक्ति मिस्टर नटल थे ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेसेज वो तो सिर्फ अपनी बीमारियों के बारे में ही बात कर सकते थे एंड डैश टॉप विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और अपोलॉजी वेन यू अराइव्ड और बगैर गुड बाई कहे या माफी मांगे जब आप लोग आए तो वो भाग गए वन वुड थिंक ही उनको भागता देखकर तो कोई भी सोच सकता है कि उन्होंने तो जैसे भूत देख लिया था आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल कामली भतीजी ने कामली यानी बड़ी शांति से कहा मुझे लगता है वो इस झबरे कुत्ते को देखकर भागे होंगे ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें कुत्तों से बड़ा डर लगता था वॉज वंस हंटेड ऑन द दैंक्स ऑफ द गैंग यानी गंगा नदी के किनारे सिमेट्री में कब्रिस्तान में कुत्तों का एक झुंड उनके पीछे पड़ गया था एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन ग्रेव और उनको वो रात एक नई खुदी हुई कब्र में गुजारनी पड़ी थी

शॉर्ट नोटिस पर बहुत कम समय पर भी एडवेंचर स्टोरी या रोमांस बना लेना यह भतीजी की स्पेशलिटी था यानी इसमें वो माहिर थी। एडवेंचर स्टोरी बनाने में वेरा माहिर थी जब उसे पता चला कि फ्रैंक्टन उसकी आंटी के बारे में कुछ नहीं जानता तो उसने एक कहानी बना दी कि आंटी के परिवार के लोग तो शिकार पर गए थे और फिर बॉग में ही खो गए थे और वो जानती थी कि आंटी और बाकी लोग मिस्टर नटल के बारे में कुछ नहीं जानते इसलिए उसने मिस्टर नटल के बारे में कहानी बनाई कि उन्हें तो एक बार कुत्तों ने इतना परेशान किया था कि अब वो कुत्तों को देख ही डर जाते हैं और इसीलिए वो स्पेनियल को देख डर के भाग गए थे वैसे बच्चों आप तो जानते हो ना कि मिस्टर नटल क्यों भागे थे वो इसलिए भागे थे क्योंकि उन्हें लगा कि जब मिसेस सेन के परिवार के लोग मर गए थे तीन साल पहले तो ये तो निश्चित रूप से उनके भूत हैं डियर चिल्ड्रन आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इट हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर इन केस यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन वेन एवरू वीडियो इज अपलोडेड प्लीज हिट द लाइक बटन And provide your valuable feedback through comments. Many thanks for watching.